शरीर को अनुमंडल में प्रवेश कराया जा रहा है। उनका जो आखिरी दीदार होगा आप देख पा रहे हैं, विजुअल्स के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। यह आखिरी विदाई होगा उनका, अंतिम जोहार कहने के लिए आप देख पा रहे हैं अंतिम घड़ी है जहाँ पे अनुमंडल परिसर में प्रवेश कर चुके हैं। अंतिम रूप देने के लिए देखिए किस तरह से लगातार उनका जो पुत्र है वो रो रहे हैं। मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। उनके सम्मान में डुमरी अनुमंडल परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए, चूंकि वो आखिरी विदाई आखिरी जोहार अंतिम जोहार कहने के लिए उनके जो चाहने वाले उनके जो समर्थक हैं यहाँ आए हुए हैं। इधर आइए लोकीदा। गार्ड ऑफ ऑनर देखिए आ चुका है उनका जो पार्थिव शरीर का जो उनका आगमन है। देखिए कैसे वो आ चुके हैं। डुमरी विधानसभा में उनका आगमन हो चुका है। मैं वीडियो विजुअल्स के माध्यम से मैं आप लोगों को, सबसे पहली गाड़ी एसडीएम सर की गाड़ी है आप देख पा रहे हैं, उनके बाद लगातार उनके जो गाड़ियां हैं वो आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रशासन है पूरी तरह से चौबंद करके लगातार हमारे जो टाइगर जगन्नाथ महतो की जो पार्थिव शरीर है बहुत कम समय में आने वाला है। देखिए यहाँ पे मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, पूरी तरह से व्यवस्था चाक चौबंद आप देखने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे एसपी सर की गाड़ी डीसी सर की गाड़ी अनुमंडल परिसर में प्रवेश करते हुए आप देख पा रहे हैं। आखिरी विदाई देने के लिए यहाँ पे देखिए पूरी तरह से वो अंतिम घड़ी है आप देख पा रहे हैं। विजुअल्स के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ वो अंतिम घड़ी डुमरी प्रखंड के। यहाँ पे देखिए विधायक जी अनूप कुमार सिंह जी यहाँ पे आप देखेंगे और प्रवेश कर रहे हैं अनुमंडल। उनके जो तमाम चाहने वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वो घड़ी समाप्त हुई और आखिरकार शिक्षा मंत्री के पार्थिव शरीर डुमरी में प्रवेश कर चुकी है, डुमरी की धरती में स्वागत करती है और अंतिम घड़ी में अंतिम जोहार कहने के लिए उनके जो समर्थक हैं वो आ चुके हैं। आप देख पा रहे हैं लगातार पार्थिव शरीर यहाँ आ चुका है। आप यहाँ पे देख रहे हैं वो आखिरी घड़ी, वो आखिरी पल जहाँ पे सभी लोग उनके दीदार के लिए, उनके अंतिम जोहार करने के लिए वहाँ पे आ चुके हैं। और देखिए ये वो आखिरी छलम, वो आखिरी घड़ी और उनके पार्थिव शरीर को अनुमंडल में प्रवेश कराया जा रहा है। उनका जो आखिरी दीदार होगा आप देख पा रहे हैं, विजुअल्स के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह आखिरी विदाई होगा उनका, अंतिम जोहार कहने के लिए आप देख पा रहे हैं अंतिम घड़ी है जहाँ पे अनुमंडल परिसर में प्रवेश कर चुके हैं उनका पार्थिव शरीर। उनके जो हुजूम है मैं लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, किस तरह से लगातार उनके जो समर्थक हैं चाहने वाले हैं एक पल लेकर दीदार करने के लिए, देखिए किस तरह से सभी लोग खड़े हैं, सबका रूह कांप रहा है। कहीं ना कहीं ये आप जो दृश्य देख रहे हैं अपने
उनके अपने जो उनके चाहने वाले उनके जो समर्थक हैं, मैं उनको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ किस तरह से सभी उनके आंखों में नम हो गए हैं, भावुक हो गए हैं अंतिम विदाई देने के लिए। किस तरह से ये जो आवाज़ है वो आप देख पा रहे हैं, वो अंतिम विदाई देने के लिए उनके जो समर्थक हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं एक दीदार करने के लिए, एक झलक पाने के लिए, अपने टाइगर के एक झलक पाने के लिए। चूँकि 20 साल के राजनीतिक करियर में वो ये है उनके जो चाहने वाले उनके जो समर्थक हैं वो आप देख पा रहे हैं किस तरह से फूलों की बारिश हो रही है, किस तरह से उनके सम्मान में फूलों की बारिश की जा रही है। वो आखिरी विदाई, वो आखिरी क्षण, वो आखिरी घड़ी जहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो आखिरी विदाई देने के लिए किस तरह से उनके जो समर्थक है मैं उसको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। किस तरह से आप देखेंगे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए किस तरह से आखिरी विदाई, आखिरी घड़ी वो मैं प्रयास करूँगा उनका अंतिम दर्शन करवाने के लिए। देखिए किस तरह से फूलों की बारिश कर रहे हैं उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, किस तरह से फूलों की बारिश कर रहे हैं। वो आखिरी घड़ी, वो आखिरी क्षण जहाँ पे अपने अंतिम दर्शन करने का हम भी प्रयास करेंगे उनका आखिरी दर्शन करवाने का आप लोगों का। ये अंतिम दर्शन उनका जो हुजूम है वो आ चुका है, उनके जो चाहने वाले हैं वो आ चुके हैं लगातार विधि व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए। लगातार यहाँ जो प्रशासन अपील कर रहे हैं और हम आप लोगों को विजुअल्स के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अंतिम घड़ी, अंतिम वो समय जहाँ पे अपने टाइगर की अंतिम विदाई वो देंगे, मैं विजुअल्स के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास करूँगा वो आखिरी घड़ी, वो जो जिस पल का इंतजार कर रहे थे फूलों की। देखिए किस तरह से रोने लगे उनके जो समर्थक हैं, उनके जो समर्थक हैं किस तरह से रोने लगे हैं। वो आखिरी विदाई होगा यहाँ पे, देख आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। ये माल्यार्पण उनके जो चाहने वाले उनके जो समर्थक हैं मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। वो आखिरी घड़ी किस तरह से, देखिए रो रो का पूरा हाल है, किस तरह से मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ वो आखिरी घड़ी, वो आखिरी क्षण अंतिम जोहार कहने के लिए किस तरह से लगातार नम आंखों से रो रो कर उनके जो चाहने वाले हैं किस तरह से बुरा हाल है उनका मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को। क्योंकि ये वो आखिरी पल, वो आखिरी समय होगा किस तरह से उनके जो समर्थक हैं उनके जो चाहने वाले हैं रो रो कर बुरा हाल है। देखिए उनका जो पुत्र है अखिलेश लगातार लोगों से मिलते हुए, क्योंकि उनके जो छत है वो आज उनके सर से चला गया है। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ अंतिम रूप देने के लिए। टाइगर महतो देखिए किस तरह से लगातार किस तरह से उनका जो पुत्र है वो रो रहे हैं, मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। मैं आप लोगों को लगातार दिखाने का प्रयास करूंगा ये वो आखिरी पल, वो आखिरी समय अपने टाइगर की अंतिम विदाई, अंतिम जोहार कहने के लिए। देखिए किस तरह से उनके जो चाहने वाले हैं उनके जो समर्थक हैं किस तरह से उनके अंतिम विदाई देने के लिए मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को, किस तरह से नम आंखों से उनकी जो आखिरी विदाई है और किस तरह से छतों पे चढ़ गए हैं और वो अंतिम विदाई देने के लिए किस तरह से यहाँ का जो हुजूम है उनके जो चाहने वाले मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगा। आप देखेंगे उनके सम्मान में यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, डुमरी
अनुमंडल परिसर भवन में। इधर है दादा सर, गार्ड ऑफ ऑनर ही दे रहे हैं आप। गाड़ी उधर से निकलेगा। उनके सम्मान में डुमरी अनुमंडल परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए, चूंकि वो आखिरी विदाई, आखिरी जोहार, अंतिम जोहार कहने के लिए उनके जो चाहने वाले, उनके जो समर्थक हैं यहाँ आए हुए हैं। इधर आइए, आइए लोकिता, आइए इधर, इधर है, आइए आइए, सुन गॉड गार्ड ऑफ ऑनर। आइए आइए, आप लोग किनारे को, आप लोग किनारे भैया, चलो चलो भैया किनारे, चलो किनारे किनारे किनारे। यहाँ पे माननीय विधायक जी भी आए हुए हैं। खेलेगा नहीं, बड़ा बड़ा नेता लोग खेलेगा। व्हाट्सएप में कॉल करना, व्हाट्सएप में। मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जल्दी तो नहीं हमारा उधर निकल देखे सब घुसा हिंदी सद घुसे नार कर झारखंड नव निर्माण है। हाँ हाँ, तेने जल दिन तेने पीछे उनकी अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पे देखिए हमारे जो गिरिडीह के विधायक सोनूदीप वो भी आए हैं। मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। उनकी आत्मा को शांति के लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। उनका जो पुत्र है देखिए, सभी को सम्मान, उनका जो फूल है वो लेते हुए। देखिए किस तरह से उनके जो समर्थक हैं वो रो रहे हैं। मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं विजुअल्स के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ किस तरह से उनके जो चाहने वाले हैं।
हम मिलन आइए आइए इधर से थोड़ा रास्ता खाली कर रही है इधर। आप देखेंगे यहाँ पे अंतिम विदाई देने के लिए बस अब हाँ बस बस यहाँ पे उनका जो उनके अब वो जब वो घड़ी अब मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ उनका जो सम्मान था डुमरी के प्रति वो यहाँ देते हुए और अब यहाँ से निकलेंगे और अब यहाँ से उनका जो कार्यक्रम है वो आगे का जो कार्यक्रम होगा वहाँ की ओर चलेंगे। प्रस्थान कर रहे हैं यहाँ से और आप देखेंगे माननीय विधायक जी उनके आगे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को कि वो आखिरी अब यहाँ से डुमरी से वो निकल रहे हैं। डुमरी विधानसभा जो उनका जो अनुमंडल परिसर है वहाँ से वो निकल रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ ये वो आखिरी विदाई। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब यहाँ से उनकी अब वो यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं।